साहब सभी तो कॉलेज आ ही चुके होंगे लगभग स्टूडेंट, और सारी को तो आना बाकी है, पर आने से पहले अगर जो बंदे आ चुके हो उनके लिए भाई वेलकम टू दी एमएम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपकी जिंदगी का लगने वाला है, समझ रहे हो, जिसमें आपको भाई असाइनमेंट प्रैक्टिकल 75% अटेंडेंस आपको भाई करना ही पड़ेगा। सुबह उठो प्रैक्टिकल का टेंशन, शाम को सोने से पहले असाइनमेंट का टेंशन, खाना खाते समय भाई भाईबा का टेंशन, उसके बाद भाई प्रेजेंटेशन का टेंशन, टेंशन ही टेंशन आपकी जिंदगी में। उसके बीच भी आपको चाहिए होता है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन किए थे किसी वैज्ञानिक ने, क्या नाम है साइंटिस्ट का, किसी ने कर दिया होगा, जिसका नाम है भाई साहब मोबाइल, लैपटॉप, पीसी वगैरह वगैरह, उसे चलाने के लिए हमें उसके लिए खुराक चाहिए। उस खुराक का नाम है डाटा। डाटा भाई अगर हम जियो से खरीदे तो, अगर देखो जैसे कि दुनिया बढ़ती है वैसे जियो का जो डाटा का रिचार्ज है वो भी महंगा होते चला गया है, ओके। पर उसमें भी क्या है कि जियो के तरफ से, सॉरी जियो नहीं, एमएम यूनिवर्सिटी की तरफ से हर स्टूडेंट को वाईफाई दिया गया है। पर जब आप लोग कॉलेज आते हो वाईफाई से कनेक्ट करने की ट्राई करते हो तो आपके सामने आता है यूजर आईडी और पासपोर्ट। क्या है यूजर आईडी एमएम यूनिवर्सिटी का, क्या है एमएम यूनिवर्सिटी का पासपोर्ट, आखिर कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं एमएम यूनिवर्सिटी का और कैसे उसका वाईफाई का हम फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लैपटॉप लेके आते हो तो उनके लिए भी भाई बहुत सारा ढेर सारा डाटा चाहिए। मूवी देखते हो, मूवी देखने के लिए 2 GB डाटा चाहिए। संडे को तो भाई मूवी देखोगे ही, संडे को भाई इंस्टाग्राम पे भाई बकचोदी करोगे ही, रील्स तो देखोगे ही, रील्स उड़ाने के लिए भाई डाटा चाहिए। तो आखिर हम वाईफाई का पासवर्ड कैसे मांगे रे बाबा, वाईफाई का पासवर्ड हम कैसे ले सकते हैं, आखिर वाईफाई का एमएम यूनिवर्सिटी में वाईफाई पासवर्ड भाई क्या है, तो मैं बताता हूँ। और आपको वाईफाई का पासवर्ड कैसे बनाना है ये भी मैं बताता हूँ। देखो भाई, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एमएम यूनिवर्सिटी आए हो एंड अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास वाईफाई का पासवर्ड नहीं है और आप मतलब ट्राई करते हो उसे कनेक्ट करने का, तो वहाँ पे एक लॉगिन और पासवर्ड, जैसे कि आप लोग देख रहे हो वैसा आता है, लॉगिन एंड पासवर्ड आता है। पर आप लोग जैसे उसमें लॉगिन एंड पासवर्ड डालने की कोशिश करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड आखिर हम कहाँ से लाएँ, तो आप उसके लिए क्या करते हो, अपने मेंटर से, अपने फ्रेंड से या आप अपने सीनियर से पूछते हो। तो सीनियर बोलते हैं कि भाई हमें कॉलेज वाले ने भाई वाईफाई का पासवर्ड दे रखा है, तो वाईफाई का पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। देखो भाई, जब आप क्लासेज अटेंड करोगे तो आपको भाई यहाँ पे आईडी कार्ड बनाया जाएगा। आईडी कार्ड बनाने के लिए भाई आईडी कार्ड जब हमारा बनता है, आईडी कार्ड बनाने के क्रम में ही आपको भाई वाईफाई का पासवर्ड भाई कॉलेज की तरफ से मिलता है। पर उससे पहले आप लोग चाहते हो भाई वाईफाई का पासवर्ड कैसे हम वाईफाई में हमें अभी से यूज करना है, तो एक बार देखो भाई, जो भी आपका रोल नंबर होता है, क्योंकि कॉलेज जाओगे तो आपका रोल नंबर 1 या 2 दिन बाद आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि रोल नंबर आपको आपका यूजर नेम में, तो आपका रोल नंबर ही होगा। जो आपका पासवर्ड होने वाला है मैं ही बता देता हूँ, इसे ही बोलते हैं पब्लिक हैक ट्रिक। अपन हैकर नहीं है पर हैक ट्रिक यही है कॉलेज का, मैं बताता हूँ। देखो भाई, कॉलेज में जो मतलब कि स्टूडेंट हो जो यहाँ पे आते हो, तो उनको वाईफाई का पासवर्ड, वाईफाई का लॉग, यूजर नेम तो मैंने बता दिया कि आपका रोल नंबर ही आपका यूजर नेम होगा, पर वाईफाई का पासवर्ड क्या होएगा पब्लिक? पासवर्ड यहाँ पे ये यह होता है, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/6/2005, ओके, तो 14/6/2005 है, तो मेरा वाईफाई का पासवर्ड है 1406, मतलब 14/6/2005 है तो 05 लास्ट का। वैसे जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 14/6/2002, तो 14/6/02, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 11/6/2005, तो आपका वाईफाई का पासवर्ड होगा 11/6/11/0/6/05, ओके। पर भाई अगर आप लोग अभी लॉगिन करते हो फिर भी आपका लॉगिन अटेम्प्ट फेल्ड बताता है, तो क्या करना होगा, लॉगिन अटेम्प्ट फेल्ड बताता है, तो आप जब भी आप अपने क्लास में जाते हो, क्लास में जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको अभी जो वाईफाई का पासवर्ड अभी आप ज्वाइन नहीं ले सकते हो, आपको 1 से 1.5 मंथ के अंदर आपका वाईफाई का पासवर्ड आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पर आपका आ जाएगा। वाईफाई का पासवर्ड सेम टू सेम रहेगा, जैसे मैंने बताया था, सेम टू सेम भाई, चेंज होने का नहीं मैं बता रहा, चेंज नहीं होने का। बट यार अभी अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो अभी आप लोग से ज्वाइन होने वाला है नहीं, ओके। तो बस उसके बाद में और आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, कॉलेज आए हो अपना अटेंडेंस मतलब कि बरकरार रखना, 75% अटेंडेंस रखना, नहीं तो आपको भाई क्लास से डिटेन कर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो प्लीज़ पब्लिक समझ रहे हो ना अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है, तो भाई अटेंडेंस आप लोग ज़रूर भाई अटेंडेंस का ज़रूर ध्यान रखना, अटेंडेंस भाई आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अटेंडेंस अगर आपकी छूट जाती है फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो प्लीज़ यार प्रॉब्लम आने से पहले, प्रॉब्लम आने के बाद तक का सफ़र मेरे साथ तय किया
किए हो, तो ऐसा करते हैं ना भाई, अभी से ही अटेंडेंस के पीछे भागो। अगर तुम अटेंडेंस के पीछे भागने का एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, क्लास में अगर आप एक लड़की हो तो किसी लड़के को क्रश बनाओ, अगर आप एक लड़का हो तो किसी लड़की को क्रश बनाओ। ओके, क्रश बनाने, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस के पीछे भागोगे तो जिंदगी आपकी ले लेगी। ओके, बट अगर किसी लड़की के पीछे भागोगे तो अटेंडेंस आपके पीछे भागेगी। इसलिए भाई क्लास में क्रश बनाने का, समझ में आया क्या वीडियो? मेरी भी थी बट मेरा तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, पता है। चलो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।